कौमी असेंबली के हल्का एन 119 में इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद अली परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मरियम औरंगजेब हिना परवेज भट्ट समेत दीगर रहनुमा और अहदेदारान शरीक हुए। इजलास में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में हल्के में इंतखाबी सरगर्मियों पर तजवीज का तबादला भी हुआ। मरियम नवाज ने रहनुमाओं अहदेदारों और कारकुनों के जज्बे और दिन रात की मेहनत को सराहा। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि यह बहस इंतखाब जीतने की नहीं अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिया, अब इन्हें मसाइल का हल देना है। वादों की तकमील के लिए अवाम वोट सिर्फ नवाज शरीफ को देंगे। हम महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। इंशाल्लाह बेरोजगारी और गुरबत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया है।